Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. पीपल्स पार्टी नून लीग ए जेयूआईएफए गिलगित बल्तिस्तान के चूंड नतीजन के रद्द कर छो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है मुझी इलेक्शन चोराई वही है, मां जल्द गिलगित बल्तिस्तान के मानून से गड एहतजाज में शिरकत कंदुस। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज गिलगित में पीटीआई जो वजूद ही ना। नून लीग जो सीटू खसे खैरात में विरहूँ व्यू, सादी अक्सरियत भी हासिल न कर सकण शर्मनाक शिकस्त है। मौलाना फजल रहमान जो चवण है गिलगित में एक भेरों बीहर 2018 की तारीख वरजाई वही। गिलगित बल्तिस्तान में चूंडू न पर वंड वर्च थी है। पीटीआई के गिलगित जो बेड़ो बोड़ न ींदी। मौलाना पारा मामलो पीडीएम इजलास में भी उथारण जो फैसलो। सुद समाव वाले वफाकी वजीर शिबली फराज जो चवण है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वजीर आजम इमरान खान से एतमाद कंदे नून लीग के बयानिए के रद्द कर छो है। वजीर आजम के खास मददगार शहबाज गिल जो चवण है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मरियम नवाज के मुल्क दुश्मन बयानिए के दफन कर छो। पंजाब के वे वजीर उस्मान बोजदार जो चवण है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करप्ट ना अहल मानून के आइनो ेखार है। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली की चूंड लाए 23 मां 19 तकन जा मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामू अची वया। 7 सीटू आजाद उम्मीदवार बुहारे वरतूँ। गैर हतमी नतीजन मूजिब 6 तकन ते पीटीआई 4 तकन ते पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ए वहदत मुस्लिमीन जो एक एक उम्मीदवार कामयाब थो। रहल 4 तकन जा भी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत एलएनजी रेफरेंस में अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अगूणे नाणे वाले वजीर मिफ्ता इस्माइल ते फर्द जुर्म लागू कर छो। शाहिद खाकान अब्बासी ए मिफ्ता इस्माइल पारा डोह कबूल का इनकार। पीएसओ के अगूणे एमडी शेख इमरान उल हक ते भी फर्द जुर्म लागू कर। मुल्क में कोरोना वायरस की बी लहर दौरान तालीमी इदारा बंद करने वो फैसलो एक हफ्ते लाए मुलतवी। सूरत हाल के जायजे लाए ईंदड़ हफ्ते बीहर इजलास तलब। वफाकी वजीर शफकत महमूद की सदारत हेठ थियल इजलास में सूबाई वजीरन स्कूल बंद करने की मुखालफत कई। शफकत महमूद जो चवण है सियारे जो मोकलू वधाने की तजवीज़ आहे। स्कूलन की बंदिश बाबत हतमी फैसलो सूबाई वजीरन की मुशावरत से कयो वेंदो। सिंध जो वड़ो वजीर मुराद अली शाह भी कोरोना वायरस जो शिकार थी वो। सूबाई वजीर डाम इकराम उलाधारे जो भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मुराद अली शाह कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अचण की तस्दीक कंदे है जुमे के ढी हल्को बुखार महसूस थो। कोरोना टेस्ट कराई जेका पॉजिटिव अची वही है। डॉक्टर्स की हिदायत से पान के आइसोलेट कर छो है। सूबाई वजीर डाम इकराम उलाधारे जो भी पान के घर में आइसोलेट कर छो। कोरोना वायरस की पखेड़ के खर्चे सबब सिंध सेक्रेटेरिएट में आम शहर की एंट्री बंद। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफो थन लगो। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत अचण की शरह 7.2% थी वही। 24 कलाक दौरान 19 मरीजन दम दई छो। 2128 शहरी वायरस में मुब्तला। हैदराबाद में कोरोना सबब अस्पताल मुंतकिल थियल 2 मरीजन दम दिनो। सिंध यूनिवर्सिटी ड्याम शोरो जा 7 मुलाजिम कोरोना जो शिकार।
लाहौर जे सेशन कोर्ट में जवाबदार फायरिंग करे कत्ल केस में पेशी लाए आयल बिन भायरन के कत्ल करे छड़ियो। पुलिस मौजिब मकतूल रियासत ए बिलाल कत्ल केस में पेशी लाए आया हुआ। फायरिंग कदर जवाबदार कफील के गिरफ्तार करे केस दाखिल करे छड़ियो। कराची की मकामी अदालत मजारे कायद बेहुरमती केस में धुरन जहा दलील मुकम्मल थे बाद पुलिस की रिपोर्ट से फैसलो महफूज कर वरतो। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अदालत के बुधायो त कत्ल जो धमकियों ए सरकारी मिल्कियत के नुकसान पहुँचाण जहा कलम खारिज कर छिया। फरियादी वकास अहमद मौके पर अख्तियार किया त सिंध हुकूमत के दबाव सबब जांच ऑफिसर मामले जो रुख ही तब्दील कर छो है। पुलिस के चालान में लगे तो मजारे कायद से कुछ थो ही ना है। पुलिस केस बी क्लास करण बाबत रिपोर्ट जमा कराई हुई। अदालत केस की बुधनी 18 नवंबर तई मुलतवी कर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ठठो वाटर सप्लाई रेफरेंस में अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी की एक ढीह लाए हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती। आसिफ अली जरदारी जो वकील फारूक एच नायक पेश थो अदालत बुधनी मुलतवी कई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा खिलाफ सदारती रेफरेंस बाबत नजरसानी अपीलों से बुधनी 8 दिसंबर तई मुलतवी कर छड़ी। अदालत रिमार्क्स दिना तो बुधनी मुनीर ए मलिक की दरख्वास्त मुलतवी कर रहा हूँ। बुधनी दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की घरवारी सिरीना ईसा भी पेश थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चवण हो त लार्जर बेंच जोड़ बाबत सरीना ईसा की दरख्वास्त से बुधनी बात में कई वी। लाहौर की एहतसाब अदालत कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में शाहिदन के बयान रिकॉर्ड कराने लाए 24 नवंबर से तलब कर वरतो। जज मोकल से होने सबब अज केस की बुधनी न थी सकी। शहबाज शरीफ ए फवाद हसन फवाद हाजिरी का मुस्तकिल छूट हासिल कर वरती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो फैजाबाद में धरणो जारी। फैजाबाद पुल ट्रैफिक लाए बंद। इस्लामाबाद ए रावलपिंडी में मेट्रो बस ए मोबाइल फोन सर्विस भी अजा ती बहाल न थी सकी। जाड़न शहरन जे पब्लिक वैन सर्विस भी धरणे सबब बदस्तूर बंद। एयरपोर्ट ए रेलवे स्टेशन वेंदड़ मुसाफिर परेशानियों भोगण ते मजबूर। अगुणे वफाकी घरू वजीर रहमान मलिक ते ज्याती जो इल्ज़ाम मणींदड़ अमरीकी औरत सिंथिया डी रिची के मुल्क बदर करने वाली दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेंच तब्दील करने बाबत रहमान मलिक की दरख्वास्त पे उकलाए छड़ी। सिंथिया रिची के वकील मौके पर इख्तियार कयो त घरू खाते सिंथिया जो मोबाइल फोन ए बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर छड़ा है। अदालत बैंक अकाउंट्स खोलने जो हुक्म दे। जस्टिस उमर फारूक रिमार्क्स ना त अज को भी हुक्म न डींदुस कुछ वकील भी ना आया ए हुकूमत तरफा भी कोई पेश ना थे। कराची के जमशेद रोड से मुफ्ती अब्दुल्ला ते हमले के मुख्य किरदार हारिस समेत ब जवाबदार गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद जो चवणा है त हमले का अगु जवाबदारन पुलिस के मिसगाइड कयो। हमले में मुलविस नेटवर्क दुबई में हलायो पए वियो जेको भारतीय एजेंसी रॉ ए बेन एजेंसीज लाए कम कर रहे हो। हैदराबाद की एंटी करप्शन अदालत करप्शन केस में सिंध यूनिवर्सिटी के वीसी समेत 33 जणन की जमानत में 7 ईं वाद कर छड़ी। बुधनी दौरान वीसी डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफत रजिस्ट्रार अमीर अली अबड़ो ए बया नामजद जवाबदार पेश थिया। अदालत जवाबदार की उबूरी जमानत में 23 नवंबर तई वाद कदे बुधनी मुलतवी कर छड़ी। पाकिस्तान सुपर लीग 5 जो फैसलाइतो दंगल सुभाणे थींदो। पेरियों भेरो लाहौर कलंदर्स ए कराची किंग्स फाइनल में दुबदू थींदियूं। गुजरल ॾींहुं लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स की टीम के 25 रन्स तां शिकस्त ॾेई फाइनल लाइ क्वालिफाई कयो। वात बाती मुझे खड़ी वह उतरे मुख्य कहूँ 10 ढीसा उत जुलम कहूँ साई मौ कर भजा रड़ी पयूँ।
जाति में वहशत जो निशानो बढ़ल नारी आयशा थैमूर की हालत में सुधारो न अची सको। नारी जहनी तौर मफलूज बणजी वही। मुतासिर धुर जो चवण है जवाबदार केस तथा हथ खड़ाण लाए धमकियों डेई रहा है। दादू में नारी सा लजा लुट मामले जो बीहर जिरगो। इल्ज़ाम हेठ आयल मौलवी जवाद चनो जा वारिस पाक किताब खड़ी मुतासिर नारी के घर पहुंची वया। धुरन विच में राजोड़ी के नाले से जिरगो। इल्ज़ाम हेठ आयल जवाबदार जवाद चनो नारी सा शादी करण जो बीहर रास्पो जाहिर कर छो। फतवा में जाना वो शादी न करण की सूरत में जवाबदार 10 लाख रुपया दंड भरी। कोट गुलाम मोहम्मद भरसा कारें जी तोहमत मढ़े बेदर्दी सा कत्ल कल नारी मामले में अहम अग भराई। पुलिस केस में नामजद चैन भायरन समेत 7 जवाबदारन के गिरफ्तार कर वरतो। मकामी अदालत गुलबानो सामी केस में गिरफ्तार जवाबदार मिस्कीन सामी सतार सामी रमजान ए बेन के जेल मोकले छो। सखर में इंतजामिया जो बैराज कॉलोनी में हद दखलन खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी जड़ायल अदावतों गरी मशीनरी जरिए ड्राहे पट रवासिन जो रवासिन तरफा मजामत। लाड़काने की इरीगेशन कॉलोनी में भी घर ड्राइण खिलाफ रवासिन जो वीआईपी रोड से धरणो। सिंध ए खैबर पख्तूनख्वा में खौफनाक रोड हादसा। बिन औरतों एक पुलिस अहलकार समेत 10 जणा हयाती विञाए वेठा। सखर के बस टर्मिनल वट कोच जो मोटरसाइकिल के टक्कर। पुलिस अहलकार गुलाम हैदर खोसो पोहरत मंजूर सोलंगी फौत। अहलकार जो पुट जख्मी थी पयो। खैबर पख्तूनख्वा के नौशहरा वाले इलाके में मुसाफिर बस खाई में किरी पई। बिन औरतन समेत 8 जणा फौत 11 जणा जख्मी। भिटशाह भरसा कौमी शाहराह ते कोच कल्टी थियण के नतीजे में औरतन बारन समेत 15 जणा जख्मी। चंडोअलायार में कुत्ते डाड़ियल एक वधीक नींगर दम डई छो। जिले में फौतिन जो अंग बथी वो। 4 सालन के मोहम्मद राफे के 2 हफ्ता अग कुत्ते डाड़े जख्मी कयो हो। नींगर कराची की अस्पताल में दम डनो। गुजरल ढी भी एक नौजवान वैक्सीन न मिलने सबब फौत थी वो हो। खानपुर महर में रोलू कुत्तन बिन बारणन के डाड़े जख्मी कर छो। 5 सालन की बख्तावर 6 सालन के इमाम डिनो के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन कराई वो। सिंध जी खानगी स्कूलन वाले डीजी हैदराबाद रीजन के डायरेक्टर के हटाने लाए तालीम खाते के खत लिखी छो। डीजी खत में जाना है हैदराबाद के डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स कानून के उपतर एक खानगी स्कूल के फीस में 8% वाद की इजाजत दिनी। डायरेक्टर मुहिउद्दीन आसिम के हटाया वही। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगत मैं हमीर शेख हेडलाइंस जमा दिखी तफसीली खबरों ने ब्रेक खबर।